विपक्ष कह रहा है कि अगर बीजेपी अंदर से इतनी डरी हुई और नर्वस नहीं होती तो फिर साम दाम दंड भेद ये सब अपनाने के आरोप लग रहे हैं आप पर। विपक्ष तो कुछ कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। चंदे के जरिए विपक्षी दलों पर फंदा, चंदे के पीछे बीजेपी ने धंधे का खेल किया। विपक्ष कह रहा है ये ब्लफ है। देखिए, जो खुद फर्जी हो वो दूसरों को वैसे ही देखे। फर्जी वाल की बात नहीं मैं कर रहा। अब हो सकता है इनकी धर्मपत्नी ने भी कहा कि मुझे भी राबड़ी देवी बनना है। क्या आपको ऐसा लगता है? तमाम घोटाले थे, उसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, उनके आरोपी आज कहाँ हैं? वो चक्की पीसिंग वाले अजीत पवार भी आपकी पार्टी में, वो जो नेशनली करप्ट पार्टी थी उसका भी एक हिस्सा आपके साथ आ गया है। इतनी बेबाकी कहाँ से लेकर आते हैं अनुराग जी? पहाड़ के पानी में भी कुछ जवानी में भी है। मैं रुमाना इसार खान और हमारे साथ इस समय यहाँ मंच पर मौजूद हैं मोदी सरकार के मजबूत सिपाही हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं और विपक्ष की तरफ से जब आरोपों की गेंदें उछाली जाती हैं तो उस पर अपने बयानों से शानदार शॉट्स लगाते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए अनुराग ठाकुर जी का। धन्यवाद अनुराग जी। मुझे ये बताइए कि 24 का चुनाव अभी होना है, नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन उससे पहले जो माहौल है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मोदी की हैट्रिक तय है। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी के लिए 24 चुनाव सबसे आसान चुनाव है? देखिए, पहली बात मैं कहूंगा कोई चुनाव आसान नहीं होता है। 24 चुनाव भी आसान नहीं? कोई चुनाव आसान नहीं होता। आपकी उपलब्धियां आपके लिए एक तैयारी कर देती हैं। जैसे मोदी सरकार ने 10 साल में जो किया वो हमें अपनी एक ताकत दिखती है। मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व हमें अपनी वो ताकत दिखती है। भारत के बढ़ते कदम और दुनिया भारत में एक उम्मीद देखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है, होप देखती है। हमें ये अपनी ताकत नजर आती है, तभी हम कहते हैं अब की बार 400 पार। तो इसीलिए वो 400 पार नजर आता है क्योंकि हमने काम किया है, केवल हवा में कहने से नहीं करके दिखाया है। माना जी, आज से 10 साल पहले जब मैं आपके मंच पर आता था तब हम कहते थे कांग्रेस का भ्रष्टाचार, 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, कोल घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले खत्म नहीं होती थी लिस्ट, ठीक है, और हेडलाइन भी वही रहती थी। हमने एक वायदा किया था देश से, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। और आज मैं 10 वर्षों के बाद कह सकता हूं 10 साल पल पल देश के लिए समर्पित भी किया, पाई पाई देश की बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी, ईमानदारी से सरकार मोदी जी ने चलाई भी। तो 10 साल पीछे जहां से आपने शुरुआत की है मैं वहीं आपको लेकर चलती हूं। साल 2014 में विपक्ष के भ्रष्टाचार पर वार था, बदलाव की बयार थी और ऐसे में बीजेपी का स्कोर जो है वो 282 था। फिर हम 2019 में आए, 2019 में मोदी का काम था, दुश्मन को घर में घुसकर उस पर वार था, बीजेपी 303 पर पहुंची। अब हम 2024 में हैं और बीजेपी की तरफ से दावा अब की बार 370 पार, इसमें क्या राम जी की कृपा अपरंपार? राम जी की कृपा तो हमारे ऊपर थी, हाँ, है और रहेगी। लेकिन मैं इसके दो भाग में उत्तर देना चाहूंगा जी। आपने 370 की बात कही तो मैं कल ही जम्मू से वापस आया, लोगों के चेहरे जो कभी मुरझाए रहते थे आजादी के बाद, मिलिटेंसी के संकट छाए रहते थे, आज उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आती है क्योंकि 370 सदा सदा के लिए खत्म कर दिया गया है। वहां पे संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली आई है। और ये तब होता है जब पथराव की घटनाएं बंद होगी, आतंकवाद की घटनाओं में भयंकर कमी आ गई और वहां पे पर्यटनों की एक भीड़ लग गई। 2,10,00,000 से ज्यादा पर्यटक पिछले साल जम्मू कश्मीर में आए, जो आज तक का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। अभी देखिए, वहां 4-लेन हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बन रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल गई, श्रीनगर तक ट्रेन पहुंच रही है, चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहां पे रेलवे लाइन का बना है, तो वहीं पर IIT भी बन गई, IIM भी बन गया, एम्स भी बन गया, 11 मेडिकल कॉलेज भी बन गए, जिस कश्मीर में नहीं था वहां पर बनाकर दे दिया।
अब 370 अगर मैं कहूंगा केवल 370 हटाना, जी हां, ये नेहरू जी की एक बहुत बड़ी गलती थी। 45,000 लोगों की जान गई और जम्मू कश्मीर के विकास पर एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा करके रखा, रुकावट पैदा करके रखी। जैसे ही वो हटा, विकास की गंगा बही। दूसरा, आपने राम जी की बात कही, जब नहीं बना था तब तो आप मुझे सवाल पूछती थी, पहले के भी पत्रकार पूछते थे, और हमारे विपक्ष के लोग कहते थे ये बीजेपी वाले आते हैं कहते राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी वालों को देश की जनता लाई तो 500 साल की जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई, 150 साल के मुकदमे भी खत्म हो गए, राम मंदिर का मुकदमा भी जीत गए, और मात्र 2-2.5 सालों में आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। लेकिन उसके पीछे देखिए, अनुष्ठान करने जब प्रधानमंत्री जी गए, पहले दिन 12 जनवरी को उन्होंने शुरू किया, और मेरा राष्ट्रीय युवा दिवस था, नासिक मोदी जी आए थे, तो उस समय राम मंदिर भी गए, वहां पर जाके उन्होंने सफाई स्वच्छता, काला राम मंदिर भी गए और उन्होंने वो सफाई भी की। 19 को मैं चेन्नई में था, फिर मेरे विभाग के कार्यक्रम में आए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए, तो उन दिनों तक मैंने देखा मोदी जी को बहुत करीब से, पानी तो पीते थे, नारियल पानी पीते थे, लेकिन अन्न का एक दाना भी ग्रहण 11 दिन तक नहीं किया, अनुष्ठान जमीन पर सोकर किया। ये शायद कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर पाता, लेकिन मोदी जी ने अनुष्ठान दिल से किया, और जब भव्य राम मंदिर बना तो देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर गुरुद्वारों के बाहर भी, मस्जिदों के बाहर भी, मंदिरों के बाहर भी, धार्मिक स्थलों पर लोगों ने भंडारे लगाए थे, भजन कीर्तन चल रहे थे, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर और भाईचारा देखने को मिल रहा था। ठीक है, राम जी की कृपा अपरंपार है ना। 370 आपने बताया क्यों टारगेट उसका दिया गया है, किस तरीके से 370 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के दिल के करीब है, लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने जो विपक्ष को घेरा, अब देखिए विपक्ष तो कुछ कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, और ये जो 370 और 400 पार वाला नारा आप लोग दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ये ब्लफ है बीजेपी का। आप तो वैसे भी क्रिकेट के माहिर हैं, आपको तो पता है कि सामने वाली टीम को दबाव में ले आओ, रनों का अंबार दिखा दो, आधा खेल तो वहीं से जीत लिया जाता है, वही कर रही है कि बीजेपी ब्लफ। देखिए, जो खुद फर्जी हो वो दूसरों को वैसे ही देखेंगे, फर्जी बाल की बात नहीं मैं कर रहा मैं तो वैसे बात कर रहा हूं, तो इतनी बेबाकी कहां से लेकर आते हैं अनुराग जी? नहीं, मैं पहाड़ के पानी में है क्या? पहाड़ के पानी में भी कुछ जवानी में भी है तो किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा बताइए ना मुझे, फर्जी वाली बात किसकी थी? एक ऐसा ठगबंधन हुआ है जहां पर जो लोग बेल में हैं, जेल में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में, वो सब इकट्ठे हो गए हैं और वो कहते हैं मोदी को हराएंगे। भाई चुनाव में चुनाव लड़िए, लेकिन देखिए, आपने कहा कि आपने वो कहते नहीं हो पाएगा, मैं आपको थोड़ा सा रोमाना जी पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 में जब हम चुनाव लड़ने आए तब मोदी जी को न जाने कौन कौन सी गाली, कौन कौन सी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। पर लोकतंत्र की यही खासियत है, जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 282 सीटें जीते। फिर 2019 का चुनाव आया तो लोगों ने कहा पिछली बार हो गया, अब तो 5 साल के बाद कहां आ पाएंगे। लोगों ने पहले से ज्यादा वोट से जिताया, 303 सीट जिताई। अब तो हमने G20 भी कर दिया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया, 10 करोड़ लोगों को, बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में 5 लाख का इलाज, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, ये देने का कार्य भी किया। तो वही जो कांग्रेस हमें देकर गई थी लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था, हमने वहां से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो युवा मेरे सामने या देश की जनता बैठी आपको चैनल पर देख रही है, ये अपने देश के बढ़ते कदमों को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्या आपको लगता दुनिया को जो भारत से उम्मीद है, भारत के नेतृत्व से उम्मीद है, क्या हम उस पर पीछे रह जाएंगे? नहीं। पीपल सी होप इन इंडिया, पीपल सी होप इन इंडियाज लीडरशिप, पीपल सी होप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी,
और ये उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और भारत को यही नहीं रोकेंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अगले 25 सालों में विकसित भारत भी बनाएंगे। आप होप की बात कर रहे हैं, आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आती हूं विपक्ष के सवाल पर, जो कह रहा है कि डरा हुआ तानाशाह है जो मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है, विपक्ष ये कह रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि अगर बीजेपी अंदर से इतनी डरी हुई और नर्वस नहीं होती तो फिर साम दाम दंड भेद 2024 में ये सब अपनाने के आरोप लग रहे हैं आप पर। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहली बात कर दूं, अगर आप इंदिरा जी का समय देखेंगे तो आपको इमरजेंसी का काल नजर आएगा, जहां पर देश ने मीडिया की आवाज भी दबती देखी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी दबते देखा। आज मैं भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्री आपके सामने बैठा हूं और खुला कहता हूं, आपको जितने सवाल पूछिए आप पूछिए, जनता में से किसी को सवाल पूछना वो पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम तो तब भी लोकतंत्र में मीडिया की आवाज को बचाने वाले थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में खड़े होने वाले थे, आज भी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े होंगे, ये हमारी सोच है। जहां तक दूसरी बात है दबाने की, मैं ये कहूंगा, आज से 10 साल पहले देश कहता था कब इस भ्रष्टाचारियों से मुक्ति मिलेगी। आज अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई करती तो आप कहते हो कि चुनाव आ गया तो कार्रवाई। अरे आज से 10 महीने पहले अगर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला तो क्या चुनाव थे? क्या संजय सिंह जी जेल में गए क्या तो चुनाव थे? क्या सत्येंद्र जैन जी जेल में गए तो चुनाव थे? क्या उनके पार्षद जेल में गए तो चुनाव थे? क्या राहुल गांधी जी बेल पर छूट कराए तो क्या तब चुनाव थे? जी नहीं, ये लोग भ्रष्टाचारी थे, हैं और इनके खिलाफ जांच चल रही है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं। रोमाना जी, मुझे लगता है ये आदत सी बन गई कि चुनाव आ गए तो कार्रवाई मत करो। अरे इस देश में तो हर छठे छठे महीने में चुनाव है। जब हम कहते हैं कि 5 साल में एक बार चुनाव कराओ तो ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन मंजूर नहीं। हमने कहा वन नेशन वन टैक्स जीएसटी लाओ तो ये कहते मंजूर नहीं। आज जीएसटी आने से क्या लाभ मिला है जी? आम आदमी को दाम 5 से 7% तक कम हो गए, 10% तक कम हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कम हो गया। फास्टैग से पहले आपको 743 सेकंड पोल नाके पे लगते थे, आज आपको मात्र 43 सेकंड से कम समय में आप निकल जाते हो। बिल्कुल, ये फर्क है। उस समय जीएसटी से पहले कितनी टैक्स कलेक्शन थी आप देखिए, कोविड से पहले भी, मैं 2 साल पहले कहता हूं 3 साल पहले 90-92 हजार करोड़ रुपया कलेक्शन थी, आज 1,66,000 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज कलेक्ट। बिल्कुल, तो देश का खजाना भरा है। खजाना भरने से क्या हुआ, गरीब जनता को सुविधाएं मिली। क्या सुविधाएं मिली, कैमरामैन पे बता सकता हूं? कैमरा पे बिल्कुल क्लोजअप के साथ। तो क्लोजअप के साथ रमाना जी मैं बता देता हूं कि 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। तब 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज। उस समय 16 IIM थे, आज 23 IIM है। उस समय 12 IIT थे, आज 19 IIM। उस समय 480 के लगभग यूनिवर्सिटी थे, आज लगभग 1100 यूनिवर्सिटी है। मैं और कुछ क्लोजअप के साथ बता दूं, मतलब अनुराग जी जो हैं ये आंकड़ों के माहिर माने जाते हैं, इनके दिमाग में कंप्यूटर की तरह जिस तरीके से सारा डेटा फीड रहता है ना, वैसे सारे आंकड़े फीड रहते हैं। तो बिल्कुल उसमें आपसे हम कंपीट नहीं कर सकते। नहीं, उस समय 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत है। उस समय हम दुनिया से खिलौने लाते थे, आज हम दुनिया को खिलौने देते हैं। उस समय हम दुनिया से मोबाइल फोन लाते थे, आज हम 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। ये बड़ा बदलाव है, ये भारत में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत के साथ, मेक इन इंडिया के साथ। इस कार्यक्रम से पहले मैं एक महिलाओं के कार्यक्रम में था, फिक्की फ्लो के, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने महिला एंटरप्रेन्योर्स बैठी बाकियों को सिखा रही थी, आज देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाना, ये कभी कोई सोचता नहीं था। सोनिया जी भी आई, इंदिरा जी भी आई, लेकिन कभी उन्होंने गैस सिलेंडर पानी यहां तक सोचा नहीं, हमने वो तो दिया ही। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और नमो ड्रोन दीदी भी बनाएंगे, ड्रोन उड़ाने का काम भी कराएंगे। तो ये तो आप जनता के लिए जो काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं ना, लेकिन मेरा सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष आपको घेर रहा है, और विपक्ष ही कह रहा है आप जीएसटी, मेरा सवाल सुन लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। और सवाल ये कि आप 2017 जीएसटी, मुझे लगता है, और 2014 में चलते हैं जब असली मतलब मुद्दा ही ये हुआ करता था कि भ्रष्टाचार पर वार, तब 2G
कोयला घोटाला, तमाम घोटाले थे, उसकी कार्रवाई कहां तक पहुंची? अच्छा, वो आदर्श स्कैम घोटाला, मतलब इतने जो घोटाले हुए उनके आरोपी आज कहां हैं? वो चक्की पीसिंग वाले, अजीत पवार भी आपकी पार्टी में, अशोक चौहान भी आपकी पार्टी में आकर राज्यसभा में पहुंच गए हैं, अच्छा नवीन जी भी आपकी पार्टी में आकर उनको भी कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया गया। अब इतनी लंबी फहरिस्त है, वो जो नेशनली करप्ट पार्टी थी वो भी दो फाड़ होकर उसका भी एक हिस्सा आपके साथ आ गया है, वो जो सबसे भ्रष्ट नॉर्थ ईस्ट वाले नेता थे हेमंत बिस्व शर्मा, गृहमंत्री जी ने उनको ये उपाधि दी थी, वो भी आपकी पार्टी में आ गए। इसलिए विपक्ष जो है उसको मौका मिलता है आप लोगों को कटघरे में खड़ा करने का कि साहब ये तो कहीं ना कहीं चुन चुन कर कार्रवाई कर रहे हैं विपक्ष को खत्म करने। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है जी, और कहना भी चाहिए। लेकिन क्या एक टीवी चैनल की डिबेट पे मैं और आप खड़े होकर तय करेंगे कि कौन भ्रष्ट है, किसके ऊपर सिद्ध हो गए हैं? आखिरकार ये जांच एजेंसियों को तय करना है, सबूत देने और न्यायालयों को उनको दंड देना है, और वो प्रक्रिया एक दिन में कभी भी रोमाना जी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिए राहुल गांधी जी के ऊपर कब का केस है और आज तक उनको बुलाते बुलाते, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, 9 बार ईडी ने समन दिया, 1 बार दिया, दूसरी बार दिया, फिर कई हफ्तों बाद दिया, फिर दिया। अब 9 बार समन देने के बाद भी ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल वही हैं जो आज से 10 साल पहले राजनीति में आने से पहले कहते थे मैं बेटियों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। फिर कहा था कसम खाता हूं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिलाया। फिर कहा था कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सच सामने आएगा। अब जब इनको गिरफ्तारी की बात आई तब ये 9-9 समन भी मंजूर नहीं करते हैं। अब चित भी मेरी पट भी मेरा, आप राजनीति में आने से पहले, राजनीति में आने के बाद भी जो, और मैं आपको 2 साल पुराना ही बताता हूं, 1 साल पुराना इनका शायद आपके चैनल पे हुआ था, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, कौन रोकता है ईडी सीबीआई को, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, रोज रोज बुलावा देते हैं गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ये कहा। मुझे लगता है इनके अंदर से लड्डू फूट रहा था कि कब गिरफ्तार करें कि कब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जाएं, कब संजय सिंह जाएं, कब बाकी जाएं और मैं अकेला राज करूं। लेकिन पिछली होली पर उन्होंने एक दुआ मांगी थी उन्होंने कि मेरे 3 यार जेल में अकेले होली मना रहे हैं, अब की होली में रंग भर दिया है आपने दुआ कबूल करवा दी, अब की होली में रंग भर दिया है, देखो भगवान सुनता है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए कि राज की जो बात आपने की, राज तो वो कह रहे हैं अभी भी मैं ही करूंगा, भले ही सलाखों के पीछे से करूं, कोई हिला नहीं सकता। क्या आपको लगता है देश का कोई राज्य ऐसा जहां का मुख्यमंत्री जेल में हो, भ्रष्टाचार में जेल में हो और उसके कई साथी मंत्री, उप मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री जेल में हो? तो शायद ये दुनिया का पहला मुख्यमंत्री होगा जो जेल में सारी कैबिनेट इकट्ठी करेगा, जो बाकी बाहर रह गए उनको भी अंदर और वहीं पर कैबिनेट मीटिंग करेगा, ऐसा मुझे लगता है देखने में। कौन नैतिकता की दुहाई देता था, ये ज्ञान बांटते थे जी पूरी दुनिया को, आज अनैतिकता की परिकाष्ठा, ये ऐसे कैसे देश चल सकता है? लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने चारा घोटाला किया था उनमें भी इतनी नैतिकता थी कि चलो पत्नी को ही बिठा गए, अब हो सकता है इनकी धर्मपत्नी ने भी कहा कि मुझे भी राबड़ी देवी बनना है। इसका चांस आपको लग रहा है सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की, आपको ऐसा लगता है? देखिए रोज कहते हैं कुछ बड़ा करेंगी, आती हैं कुछ 2 लाइनें बोल के, पढ़ा लिखा सामने आता है वो बोल के चली जाती। कल भी कोई बड़ा खुलासा करना था, देश इंतजार करता रहा, खुलासा तो बड़ा हुआ नहीं, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से बड़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनते जा रहे हैं। मुझे बताइए अब इसी मामले को लेकर विपक्ष एकजुट हो रहा है, 31 तारीख को उन्होंने बड़ी रैली का भी आह्वान किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए विपक्ष तो आप लोगों को कटघरे में कर रहा है कि भाई ये ईडी सीबीआई जो भी एजेंसीज एक्शन ले रही हैं ये केंद्र सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही हैं, तो आपने बैठे बैठाए विपक्ष को संजीवनी तो नहीं दे दी है? मेरा सीधा एक सवाल सोनिया गांधी जी से, खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से, ठीक है जी, जब इनका भ्रष्टाचार था तब तो अरविंद केजरीवाल कहते थे इनको जेल में डालो, आज कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है कि केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? क्या ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है? क्या ये मानते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ? तो इनकी पार्टी ने लिखकर क्यों दिया था कि इस पे जांच करो? ये तब सच्चे थे कि आज सच्चे हैं? अनुराग जी, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो हैं अरविंद केजरीवाल, आप मानेंगे चाहे 2015 हो 2020 हो, मतलब
राजधानी दिल्ली में बीजेपी के नाक के नीचे से दिल्ली के अंदर तो जबरदस्त बहुमत के जीवा लेकर गए, तो ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री और वो सलाखों के पीछे, वो भी टाइमिंग देखिए आप, बिल्कुल चुनाव से एन पहले, चुनाव के घोषणा होने के बाद तारीखों की, ये दाव कहीं बीजेपी को तो नहीं उल्टा पड़ जाएगा? तो हम ऐसा करते हैं कि जितने लोकप्रिय लोग थे, चाहे जयललिता जी थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, अब कोई कहीं का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका मतलब जनता ने चुना तो लोकप्रिय तो होगा ही, बट क्या उसको सर्टिफिकेट मिल जाता कि जाओ भाई अब लूट लो, अब लूट की खुली छूट है? अगर आपका ये मापदंड है तो मोदी जी तो अति लोकप्रिय हैं। भाई आप चाहते क्या हो? एक आदमी जिसने 10 साल में देश का खजाना भरा, 2014 में 270 बिलियन यूएस डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे, आज 600 बिलियन डॉलर हैं, 3 गुना ज्यादा कर दिए। हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मैंने आपको जो आंकड़े गिनाए कि हमने क्या क्या किया है, मैं ऐसे आपको दुगने आंकड़े गिना सकता हूं। हमने देश को बनाने का काम किया है, ये तो शीश महल बनाने में लग गए थे, स्विमिंग पूल बनाने में लग गए थे, ये कहते थे बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, शीश महल भी बनाया, करोड़ों रुपए भी खाए, 2 बड़ी गाड़ियां मिली और 2 राज्यों की सिक्योरिटी मिली। ये अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे जी, मुख्यमंत्री बनना मतलब आपको लूट की खुली छूट नहीं है, और ना ये देश देता, ना हमारा संविधान देता है, और ना ही आगे होगा। अगर किसी ने अपने पद का दुरुपयोग किया होगा तो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, उनको जांच भी करनी चाहिए, कार्रवाई भी करनी चाहिए, और न्यायालयों में ले जाकर उचित दंड भी देना चाहिए ताकि भविष्य में देश में कोई भ्रष्टाचार ना करे। ये लूट की छूट वाली जो बात आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर विपक्ष आप लोगों की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब वो जेम्स बॉन्ड का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने भारत की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मचा दी है, तो इसको तो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है, लूट की छूट बीजेपी को। अच्छा, और आपने सवाल पूछा, मैं जितने अपने यहां पर युवा साथी बैठे हैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई राजनीतिक दलों को चंदा काले धन के रूप में टेबल के नीचे से जाके पकड़ा दे कि भाई मैंने इतने करोड़ रुपए तुम्हें दिए, वो उचित है जिसका आपको पता ना हो, या चेक काट के उनको पैसा दे जिसमें आपको पता हो कि किस पार्टी को कितना चंदा दिया, वो बेहतर है? आप लोग बताइए। दोनों ही बेकार है। ठीक है, उनकी आवाज नहीं जा रही होगी, आप प्लीज अपनी बात रखें। जी वो अच्छा है, वो कहते चंदा ही नहीं होना चाहिए तो फिर राजनीतिक दल कैसे चलें? राजनीतिक दलों की कोई अपनी आय तो है नहीं, यही लोकतंत्र में कहता हूं कि आजादी, जिसको जो कहना कहे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जी, चंदे पे ही राजनीतिक दल चलते हैं, लेकिन चंदा पारदर्शिता के साथ मिले, इसके लिए हमने शुरुआत की, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, किसको विपक्षी दल को देना उसको भी दें, सत्ता पक्ष को देना उसको भी दें, वो अपने खर्चे भी दे सकता है। अब इसमें क्या बुराई है? अब जो इन्होंने दलाली खाई है शराब घोटाले में, वो बेहतर है कि आपने शराब के ठेके दे दिए, पॉलिसी बदल दी, उसके लिए पैसा ले लिया, या कोई कॉरपोरेट हाउसेज या कोई व्यक्ति है वो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल पार्टी चलाइए, चुनाव लड़िए, ये मेरी कंपनी से मैं आपको चंदा देता हूं, ठीक है, पारदर्शी तरीके से हम लोग लाए जी, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड लोगों ने खरीदे, इसमें क्या बुराई है? तो विपक्ष तो कहता है ये चंदे के पीछे बीजेपी ने धंधे का खेल किया, पैसा लेकर बिजनेस दिया, और साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया कि साहब चंदे के जरिए विपक्षी दलों पर फंदा। इसी मामले में वो अरबिंदो फार्मा और शरद रेड्डी का नाम लेते हैं। देखिए, मैं मान लीजिए अतिदेव जी पश्चिम बंगाल से आते, मैं एक राज्य का उदाहरण देता हूं जी, 1600 करोड़ रुपया वहां पर तृणमूल पार्टी को मिला, एक राज्य में सरकार है, दूसरे राज्य में भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में सरकारें हों, देश में 303 से ज्यादा सीटें हों, हमारे आधे से ज्यादा सांसद हमारे हों, हमें 6000 करोड़ रुपया मिला, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कितना चंदा होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, हम तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल प्रपोर्शन को लेकर नहीं है, सवाल पैसा लेकर फायदा पहुंचाने का। पहले प्रपोर्शन पे आया। ओके, पहले लोगों ने कहा कि इनको 6000 करोड़ क्यों मिला, तो हमने बताया भाई जब हमारे 400 सांसद होंगे, 18 राज्यों में सरकारें होंगी, तो चंदा भी वैसे ही आएगा। और जर्मनी का उदाहरण देख लीजिए कि आपको वोट शेयर पे, आपको पर वोट
उतना मिलता है, CDU या CSU जो भी पार्टीज हमारी बाकी हैं उनको उस दृष्टि से पैसा मिलता है। ये तो राजनीति के लिए अच्छा है जितना पारदर्शी तरीके से चंदा मिल सके। इसमें हमारे लिए छिपाने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हम लोग ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है, आगे भी चलाएंगे। हमने देश का खजाना भरा है, बाकी राजनीतिक दलों के कईयों के उदाहरण हैं, मैं सबके नहीं कहता, कईयों के उदाहरण हैं जहां पे कईयों ने अपना भरा, किसी ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से, किसी ने शराब घोटाले से, किसी ने चारा घोटाले से। अब उनसे तो वही जवाब देंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कह रहे हैं हमारे खाते ही फ्रीज कर दिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, हम चुनाव में कैसे खर्च करें। राहुल गांधी के पास 2 रुपए भी नहीं है देने को किसी को, मतलब हवाई टिकट छोड़िए वो रेल टिकट से भी किसी को नहीं भेज पा रहे अपने कैंडिडेट्स को और कार्यकर्ताओं को, 2 रुपए भी नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना होगा, आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सब कुछ आपकी नजरों के सामने होता है। मैं थोड़ा दिल को तसल्ली दे रहा हूं, राहुल गांधी ने जो कहा उन्नीस सौ सैंतालीस का पहला रक्षा सौदों में घोटाला हुआ तो जीप घोटाला हुआ, फिर इनकी सरकार के समय बोफोर्स घोटाला हुआ, इनके समय अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, इनके समय हथियारों की खरीद के सबमरीन से लेके बाकी अनेक लंबी लिस्ट है। हाँ, खर्च कर दिए, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। क्या कांग्रेस इतनी बिजी थी कि वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाई? क्या इनके लिए हम कानून नहीं बनाते हैं कि ये भ्रष्टाचार भी करें, इनके ऊपर कार्रवाई ना हो, इनकम टैक्स रिटर्न ना भरें और इनके जांच भी ना हो, इनसे कोई पूछे भी ना? यानी कि 140 करोड़ की जनता एक तरफ और राहुल गांधी और केजरीवाल एक तरफ, ऐसा कैसे हो सकता है? देश का कानून, देश के नियम और देश की जो संस्थाएं हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, जो पार्लियामेंट में कानून बनता है। अगर बाकी देश के राजनीतिक दल अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं? थोड़ा सा बीजेपी की तैयारियों पर बात करें, जो अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, 400 से ज़्यादा, 405 के आसपास कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है, करीब 100 के आसपास सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। ये जो बदलाव किया गया है इसके पीछे की वजह, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर भी कह रहा है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको ये भी कहना चाहते हैं कि रिकॉर्ड महिलाओं को भी टिकटें दी हैं पहले से। हाँ, ओके। तो टिकट कटना, टिकट मिलना, हम लोग कार्यकर्ता हैं, ठीक है, आज एक भूमिका में है, कल दूसरी भूमिका में है, और हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता देश में काम करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे दल से हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पार्टी ने महिला शक्ति के लिए 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए कर दिया है, जो संसद ने पास किया, कोई और नहीं कर पाया, पार्लियामेंट में हमने करवाया जी। अब हमने अपने राजनीतिक दल में भी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया था पोस्ट पर, हमने वो भी किया। 50% आरक्षण हमने पंचायती राज्यों में, वो भी हमने किया। अब ये जो 100 टिकटें कटने की आपने बात कही, ये इसलिए कटती हैं जहां लगता है कि इनसे बेहतर उम्मीदवार कोई और हो सकता है। ओके। तो विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया उसमें रहता है, तो जीतने की क्षमता रखता है, और शायद यही हमारी ताकत रही आज तक कि हम लोग ये निर्णय कर पाते हैं। हमने गुजरात की तो पूरी की पूरी सरकार बदल दी थी, उसका रिकॉर्ड सीटें जीत कर आए। एक सवाल मेरे मन में था, मुझे लग रहा था विनेबिलिटी वाली बात आएगी, तो मैं ये जरूर आपसे पूछूंगी। इस बार 2024 चुनाव में जो इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने मैदान में उतारा है, वो केरला मल्लापुरम सीट से उतारा है, तो ये मुस्लिम उम्मीदवार के साथ विनेबिलिटी सिर्फ केरला में ही जुड़ती है? बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं जीत सकता, क्योंकि क्राइटेरिया तो विनेबिलिटी होता है? अभी तो देखिए कश्मीर के, बिहार के कई जगह की और टिकटें आनी है। ओके। उत्तर प्रदेश की कुछ टिकटें रहती हैं, कुछ और राज्य की टिकटें रहती हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो कुछ और नाम भी हो सकते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार हो सकते हैं कुछ और? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। हाँ। ये तब आता है जब आपने कहा चुनाव जीतने के बाद, मैंने एक ही बात कही, विनेबिलिटी। अब इसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू ही जीतेगा, मुसलमान ही जीतेगा। कैंडिडेट कौन है जिसकी लोकप्रियता वहां पर है उसके नाम पे। कल को हमें लगेगा कि आप चुनाव जीतने वाली हैं
तो हम आपको बोलेंगे भाई छोड़ दीजिए, मुझे तो दूरी रखिए। मैं तो बहुत खुश हूँ एबीपी नेटवर्क के साथ यहाँ पर एज एन एंकर, आई रियली एंजॉय माय जॉब। अच्छा, मुझे लगा आप खुशी प्रकट कर रही हैं कि कहीं अगला चुनाव नहीं नहीं सर, आई एम वेल सेटल्ड इन माय प्रोफेशन। आरक्षण भी होगा। अच्छा, महिलाओं की बात आप कर रहे थे जल्दी से, क्योंकि हिमाचल से आप आते हैं और मंडी से वहां पर उतारा गया है अपनी कंगना जी को, उम्मीदवार बनाया गया है, और वो जिस तरीके का एक लूज कमेंट कांग्रेस की तरफ से, आपको लगता है कि न सिर्फ मंडी बल्कि पूरे हिमाचल में उसका खमियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्या? देखिए, जब संदेश खली की घटना घटी, हाँ जी, और वहां महिलाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, अपराध की घटनाएं हुई, उनके हक छीन लिए गए, एक महिला मुख्यमंत्री ने सब अपनी आंखों के नीचे होने दिया, और जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ और एक महिला मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, उनको आंदोलन करना पड़ा। मैं धन्यवाद दूं देश का मीडिया, एबीपी का भी, कि आप लोगों ने उसको उजागर भी किया और देश के सामने सच लाए, संदेश खली का सच देश की गली गली तक आप लोग लेकर गए। उस समय भी राहुल गांधी चुप बैठे रहे, सोनिया जी चुप रही, कुछ नहीं कहा, और खड़गे जी ने तो कहा यह तो होता रहता है। एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महिलाओं के अत्याचार को कहते होता रहता है, सदियों से होता रहता है जी। और फिर कुछ दिनों के बाद राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, यानी कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बहन बेटियों का, इनको हम सम्मान करते हैं, हम उनको लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। फोर्सेज में, हमारे फौज में, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में, मिलिट्री में आज 10,400 से ज्यादा महिलाएं हैं, और जब हमारी पिछली रिपब्लिक डे परेड हुई तो भारत की बेटियां उसमें बढ़ चढ़कर आगे आई थी। तो यहां तो बेटी हर क्षेत्र में आगे, वित्त मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक है, आज मेरा इंटरव्यू लेने वाली महिला है। तो देखिए, ये सम्मान है महिलाओं का जी। लेकिन दूसरी ओर अगर महिला को टिकट मिलती है और उस पर तंज कसा जाता है, एक अभिनेत्री अगर नेत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसका चीर हरण होने का काम होता है, ये राजनीति में उचित नहीं है। आपको मुद्दों पर, विचारधारा पर, आपको बाकी विषयों पर बात करनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अभद्र अशोभनीय टिप्पणी उचित नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। जिसने की है उसको क्षमा मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। ना वो संदेश खली के सामने खड़ी थी और अब वो सामने खड़ी है तो शक्ति के लड़ने के लिए, महिलाओं का मजाक उड़ाने के लिए एक्स का उपयोग किया गया, ये बहुत गलत बात है। आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बस चलते चलते मैं आपसे इतना जरूर जानना चाहूंगी कि 4 जून देश के चुनाव का नतीजा तो आएगा, जिसमें तय माना जा रहा है कि मोदी 3.0 आने वाली है। हिमाचल 4 जून राज्य में भी कमल की सरकार बनने वाली है क्या? ये हेडलाइंस देकर जाइएगा प्लीज। दे दूं? बिल्कुल। क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, चौका तो मैंने मारा ही है, मैं 4 बार का लोकसभा सांसद बना हूं। 4 तारीख का दिन होगा, चारों की चारों सीटों पर हिमाचल में कमल का फूल खिलेगा और देश में 400 पार करके राज्य राज्य हैट्रिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्य हिमाचल, राज्य सरकार, आपके चेहरे पे मुझे इतनी मुस्कुराहट दिख रही है कि हिमाचल में सरकार के लिए खबर निकलवाने के लिए, हेडलाइंस लेने के लिए। देखिए, हिमाचल की जनता कांग्रेस की सरकार से त्रस्त और दुखी है, जो वायदे किए थे उन्होंने पूरे नहीं किए, और इनके अपने ही विधायक इनको छोड़कर आए हैं क्योंकि ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, और आज उनको लगता है कि जनता के बीच में उनका जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके अभी 3.5 साल उनके पड़े थे विधायकी के, लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरी ओर से उन सबको शुभकामनाएं, वो सब जीते, कमल का फूल खिले, ऐसी हमारी आशा है।